अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो इस तरीके की रेसिपी आप बना के खाएंगे तो गारंटी है आपको कैल्शियम कमी नहीं होने वाली है। हफ्ते में 2 से 3 बार बना के खा सकते हैं इस रेसिपी को। बस इसमें आप चीनी की जगह मिश्री का यूज़ कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, बिना देर के रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। इस स्वीट को बनाने के लिए हमने ले लिया ड्राई फ्रूट्स और एक कढ़ाई ले ली। उसके बाद इसमें डाल देंगे घी। सभी ड्राई फ्रूट को हमने पहले रोस्ट कर लेना है हल्का। पहले हमें डालना चाहिए था बादाम, उसके बाद काजू। कोई नहीं, तो यहाँ हमारा काजू फ्राई हो गया, उसको पहले निकाल लेते हैं। इसके बाद हमारा ये भी फ्राई होने वाला है। बादाम के साथ में डाल देते हैं किशमिश। किशमिश भी हमारी हो गई है, इसको भी हम फ्राई हो चुकी है, इसको भी निकाल लेंगे। लास्ट में डालेंगे मखाना 1 कटोरी और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ ड्राई फ्रूट हो गए हैं, मखाना भी फ्राई कर लेते हैं, इसको भी 1 प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट और मखाने फ्राई कर लिया है। देखिए मखाने, अब वही गाड़ी कढ़ाई ले लेंगे, इसमें डाल देंगे 300 ml दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 300 ml दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद हमें अच्छे से इसको बॉईल करना है। जब एक बॉईल आ जाए तो इसमें डालेंगे, तो देखिए इसमें एक बॉईल आ चुका है। इसमें डालेंगे इलायची पाउडर थोड़ा से, उसके बाद डालेंगे हम 4 टेबल स्पून डालेंगे मिल्क पाउडर और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसको हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। तो देखिए यहाँ पे पकाते हुए 1 मिनट हो गया है। इसके बाद हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई कर रखे हुए थे, इसको क्रश कर लेंगे सभी ड्राई फ्रूट को। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे हम सभी काजू, बादाम, किशमिश, सभी ड्राई फ्रूट्स को इसमें हम ऐड कर देते हैं। देन उसमें डालेंगे चीनी। चीनी आपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए जो साइड साइड का है उसको खुरच के हम बीच में कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए पहले से हमारा थोड़ा से दूध कम हो गया है और पहले से हल्का गाढ़ा हो गया है। सभी चीज़ों को पकाते हुए हमें 1 से 1.5 मिनट करीब हो गया है। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे, अब इसमें डाल देंगे भुने हुए मखाने। तो यहाँ पे मखाने को हमें धीमी आंच पे कम से कम 5 से 6 मिनट पकाने हैं अच्छे से, ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। और ध्यान रखिए मखाने थोड़े बड़े वाले साइज़ में ज़्यादा होते हैं, हमारे पास बड़े वाले साइज़ नहीं थे। तो देखिए हमारी मखाने की खीर बोल लीजिए, कोई भी स्वीट मखाने की खीर। तो देखिए आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। यहाँ पर हमारा खीर बन के मखाने की रेडी हो गई है। अब इसको करते हैं सर्व। तो इस तरीके से सर्व करके आप खुद खाइए और अपने पूरे परिवार को खिलाइए। तो देखिए हमारी मखाना खीर बन के रेडी हो गई है। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। और हम भी जा रहे हैं शुरू करने